रायपुर में खेली गई अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। समापन समारोह में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी प्रदान की। इस मौके पर राज्यपाल रमेन डेका ने अपने वीडियो संदेश में खिलाड़ियों को बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 97 गोल्ड, 44 सिल्वर, 33 कांस्य पदक के साथ कुल 731 पॉइंट्स लेकर रिकॉर्ड जीत हासिल की और पहला स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर केरल और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश की टीम रही। समापन समारोह को संबोधित करते हुए डॉ. रमन सिंह ने खेल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि खेल व्यक्तित्व विकास के लिए अहम होता है। कार्यक्रम में उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने आगामी अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता उत्तराखंड में किए जाने की घोषणा भी की। बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए बधाई दी। ये मेरा पहली बार मुझे बेहद खुशी है इस कार्यक्रम का, इस स्पोर्ट्स इवेंट का एक हिस्सा बनते हुए, क्योंकि जहाँ पे भी खेल होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, वहाँ जाने का अपना ही एक मजा होता है। मुझे बहुत खुशी होती है और इन सब में जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मैं उन सबको बेस्ट विशेस देती हूँ, उनको बधाइयाँ देती हूँ। और जो जीते हैं उनको तो ढेर सारी बधाइयाँ हैं, बट जो हारे हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगी, हारने के बाद ही जीतने का मजा है, क्योंकि कहते हैं ना, हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। तो हिम्मत मत हारेगा, आगे बढ़ते रहेगा। जिस तरीके का माहौल आज मैंने यहाँ देखा है सब खिलाड़ियों के बीच, मुझे बेहद खुशी है और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में हमारे बीच बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हमें देखने को मिलेंगे और बहुत सारे मुझे लगता है छत्तीसगढ़ से आएंगे। तो बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुक्रिया। समारोह में बॉलीवुड सिंगर सुवर्णा तिवारी के गीतों ने समा बांधा। इसके अलावा सुप्रसिद्ध बस्तर बैंड और छत्तीसगढ़ की लोक गाथा लोरिक चंदा की शानदार प्रस्तुति दी गई।